गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी सी डब्ल्यू कॉपी। आपकी हिंदी सी डब्ल्यू कॉपी निकाल लीजिए और आज की डेट डालिए 21, 22, 12, 20 पाठ 11 अनु की डायरी के पन्ने। इसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है अनु का, डायरी लिखते हुए यहाँ पर बनाना है। चलो नेक्स्ट पेज पे फिर से डेट डालिए आज की 22, 12, 20 पाठ 11 अनु की डायरी के पन्ने। अब हम लिखेंगे इसमें शब्द अर्थ। एक तरफ लिखेंगे शब्द और एक तरफ लिखेंगे अर्थ। बीच में लाइन ड्रा कर लीजिए। नंबर वन, अजीब। अजीब मतलब अनोखा। नंबर टू, पुनः। पुनः मतलब दोबारा। नंबर तीन, बेसब्री। बेसब्री मतलब बेताबी। नंबर चार, अचंभित। अचंभित मतलब हैरान। नंबर पांच, क्षण। क्षण मतलब पल। नंबर छह, सर्वोच्च। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। अब लिखिए सही उत्तर। हेडिंग डालिए सही उत्तर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। रानी कितने वर्ष की थी? तो उत्तर लिखिए 10 वर्ष। इंदिरा गांधी कौन थी? उत्तर लिखिए प्रधानमंत्री। माँ ने पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया? उत्तर लिखिए परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएगी। अब हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, रानी की माँ
रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? तो उत्तर लिखिए कि माँ सोचती थी कि रानी स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? प्रश्न दो, अनु क्या सुनकर अचंभित रह गई? यह सुनकर अचंभित रह गई कि जिस उम्र में सब खुश होकर स्कूल जाते हैं वहीं रानी खुशी खुशी सभी जिम्मेदारी का बोझ उठाने को तैयार थी। मतलब जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते उस उम्र में रानी सब घर माँ के साथ काम करवा के और सब बोझ उठाने को तैयार थी। तो आज हमारा ये पार्ट अन्नू की डायरी के पन्ने कंप्लीट हुआ। आप अपने CW कॉपी कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।